गाइस आपने देखा होगा कि मेरे पास वेकर का ऑफ रोड का हेलमेट है। पहले से ही मैंने इसको मॉडिफाई किया हुआ है, ये देखो। लेकिन आपको पता है बारिश का मौसम है, धूप है का सीजन, तो हेलमेट में हम ज्यादातर उसका शील्ड है, वो वाइजर है, उसको हम नीचे नहीं रख सकते क्योंकि वो उसमें जब फॉग सब आ जाता है। तो इसके लिए मैंने एक परमानेंटली सोल्यूशन लेके आया हूँ। तो आपने वीडियो का स्टार्टिंग देखा होगा, तो ये है वो प्रोडक्ट जिसके मैंने अमेजोन से मंगवाया था और उसका एक पर्ची है, आप देख सकते हैं ये चाइना से आया है पूरा। तो ये है इसका पर्ची, आप यहाँ पे सील भी देख सकते हैं पूरा का पूरा। तो टाइम है तो उसका ये अनबॉक्सिंग करने का, तो लेट्स स्टार्ट। बहुत खुशी हो रही है यार, कितने दिनों से वेट कर रहा था मैं इस चीज का। आप गेस करो इसमें क्या होगा। पैकिंग तो एकदम बढ़िया है, ये देखो अंदर से और एक पैकिंग है। आई एम सो एक्साइटेड, ओपन इट। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ये है एंटी फॉग शील्ड का, ये जो है फिल्म है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं रेनप्रूफ एंटी फॉग फिल्म फॉर हेलमेट। तो मैं इसको भी इस पे इंस्टॉल करने वाला हूँ, ये मेरे वेगा के हेलमेट पे। तो पहले इसके फटाक से अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस इसके अंदर ये आता है, यहाँ पे अभी दिखेगा आपको, ये देखो। तो मुझे इसको यहाँ पे फिट करने का है ऐसे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो पहले इसका ये वाइजर है मुझे खोलना पड़ेगा और इसको क्लीन करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसको यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। ये उसका कवरिंग है, उस पर लिखा है कि यूनिवर्सल एंटी फॉग वाइजर फिल्म, इजी एप्लीकेशन, इको फ्रेंडली, रेन प्रूफ एंटी फॉग, हाई ट्रांसपेरेंसी, और नीचे उसका सिंबल भी दिया है और पीछे इसको कैसे इंस्टॉल करने का है उसका पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो पहले हम उसको रीड करते हैं केयरफुली, और उसका ये एक डायग्राम दिया है कहाँ पे उसको इंस्टॉल करने का है। तो क्लीन द हेलमेट ग्लास बाय टूल्स, फील ऑफ द प्रोटेक्ट लेयर, अटैच द एंटी फॉग फिल्म इनसाइड द हेलमेट, प्रेस द एंटी फॉग फिल्म ऑन द ग्लास ऑन द मिडल ऑफ द एज एंड फिनिश। तो मेरे को इधर इस पर इंस्टॉल करने का है, तो मेरे को पहले उसका थोड़ा साइज लेके उस पर मार्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं उतना हाई फिल्म, ठीक है। तो पहले मैं उसको वाइजर को निकल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पहले मार्क करके लिया है ताकि मेरे को फिटिंग करते हुए कोई तकलीफ ना हो, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे धूल मिट्टी लगी है, तो पहले क्लीन क्लोथ से उसको क्लीन कर देते हैं। हम ये एक नंबर वाला है पहले इसको निकल देते हैं अच्छे से, ध्यान रखो इस साइड पे कोई उंगली ना आ जाए। तो यहाँ पे मेरे को ध्यान से करना पड़ेगा, देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है। तो अभी ये सेकंड वाला है इसको निकल देते हैं, इधर रखता हूँ, और अभी मैं इसको अच्छे से वैसे
वाइप कर देता हूँ। देख सकते हैं अभी ये अच्छे से फिट हो गया है इस पोर्शन पे पूरा। तो अभी इस बारे इसके टेस्टिंग का आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉग थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे देखते हैं नहीं पूरा क्लियर है। तो टाइम है तो अभी इसको फिर से इंस्टॉल करने का, तो अभी मैं उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली पूरा इसको मैंने फिट कर दिया है। तो बाहर इसको टेस्टिंग की, तो मैं ऐसे बाइक चलाऊंगा। तो मैं सांस छोड़ रहा हूँ लेकिन इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। तो एक बार मैं इसको बारिश में भी टेस्ट करूंगा, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो वो टाइम है तो वीडियो इधर ही एंड करने का। तो वीडियो पसंद आया हो गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।